आखिरी मौका है लल्ला। अगर भगवान ने तुझे थोड़ी भी सद्बुद्धि दी है तो सही को चुन ले, या मिश्री या तेरा परिवार, कारोबार और पत्नी को प्यार। मैंने फैसला ले लिया दादी, मैंने चुन लिया, मुझे परिवार से बेदखल होना मंजूर है। शायद अब तक सबका गुस्सा शांत हो गया हो। राघव द्विवेदी के नाम पर सभी बैंक खाते, फिक्स डिपॉजिट और वित्तीय लेन देन बंद कर दिए जाते हैं और उन्हें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप से हटा दिया जाता है। ऑफिस में घुसने वालों का रट, सारी चाबियां हवाले कर मोए। राघव जी, क्या हुआ, अब ठीक तो है? मेरे परिवार ने मुझसे सब छीन लिया, पैसा, घर, वो ऑफिस जो मैंने खुद अपने हाथों से खड़ा किया, पर मुझे परवाह नहीं है। मिस्ट्री सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार अच्छाई बुराई के बीच में फिलहाल के लिए तो बुराई की जीत हुई है, लेकिन बहुत जल्द वो मोमेंट भी आएगा जब अच्छाई जो है वो बुराई पर भारी पड़ेगी और फिर से अच्छाई की जीत होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हमें ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली इस बार मिश्री ने कल्पना और वाणी का साथ सबके सामने ला दिया है कि इन दोनों ने ही ये सब मिलकर गेम रचा था, लेकिन इस बार वाणी ने एक ऐसा दाव खेला है जिसकी वजह से मिश्री को मात खानी पड़ी है। जी आपको बता दूं कि यहाँ पर वाणी आ जाती है घर पर और एक्सेप्ट भी कर लेती है कि हाँ मैंने जानबूझकर किया, खुद को जानबूझकर चोट पहुंचाई और खुद ही मैं गायब हो गई, लेकिन मैं गायब नहीं हुई थी बल्कि मैं मिश्री के गांव में गई थी। जी आपको बता दूं कि इस बार वाणी ने घर वालों को यह सच्चाई बता दी है कि राघव और मिश्री की शादी हो गई और उसने कहा कि मिश्री ने जबरदस्ती राघव के साथ शादी की। अब यहाँ पर वाणी ने तस्वीर भी दिखा दी है घर वालों को राघव और मिश्री की शादी की, जिसे देखकर तो भाई घर वाले बेहद शौक में आ जाते हैं। और इस बार राघव ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मिश्री और राघव की शादी हुई, लेकिन मजबूरी में हुई और मिश्री की जिंदगी को बचाने के लिए राघव को उससे शादी करनी पड़ी। लेकिन ये सब सुनने के बाद तो भाई घर वाले बेहद गुस्से में आ जाते हैं और दादी जी गुस्से में आकर हमारी बेचारी मिश्री को घर से बाहर निकाल देती है। अब यहाँ पर राघव चुपचाप ये नजारा देख रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, इमोशनल हो रहा है और मैं गुस्सा भी आ रहा है कि भाई उसे तो अपनी मिश्री का साथ देना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा। अब जब जैसे ही दादी जी दरवाजा बंद करने वाली होती, तभी अंत में यहाँ पर राघव का हाथ दरवाजे पर आता और उसने रोक लिया है दादी जी को। और इस बार राघव ने एक बेहद बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, राघव ने फैसला लिया है मिश्री का साथ देने का और वो कहता है कि शादी दो लोगों के बीच होती है और अगर ये पाप हमने किया है तो इस पाप की सजा हम दोनों को मिलनी चाहिए। आप आपको बता दूं कि भाई दादी जी भी गुस्से में आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि अगर गलती तुम दोनों ने की है तो तुम दोनों को सजा मिलेगी। और इस बार दादी जी ने कहीं ना कहीं राघव से रिश्ता तोड़ने की प्लानिंग कर दी और दोनों को अब घर से बाहर भी निकाल दिया गया है। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस बार मिश्री वाणी का सच सबके सामने ला पाएगी या फिर यहाँ पर दोबारा से वाणी कोई नई चाल चलेगी।